हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल मंजू बाला फूड एक्स। आप सभी मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि आपको मेरी नई नई वीडियो मिलती रहे। आज हम बनाएंगे सैंडविच, बिल्कुल ही आसान और बहुत ही सिंपल तरीके से वेजिटेबल सैंडविच, खाने में बहुत ही टेस्टी और बहुत ही क्रिस्पी। सबसे पहले लेंगे हम वाइट ब्रेड 2, आप चाहें तो ब्राउन भी ले सकते हैं। अब मैंने लिया है खीरा, प्याज और टमाटर, आप चाहें तो और भी वेजिटेबल यूज़ कर सकते हैं। और साथ में लिया है टमाटो केचप। अब मैंने रखा है पैन गैस पर और उस पर लगा दिया बटर। बटर लगाने के बाद अब दोनों ब्रेड को उस पर रख दें। ब्रेड गर्म होगी जब तक इस पर आप टमाटर, प्याज और खीरा रख दें ताकि जो इसका कच्चापन है वो खाते टाइम मुँह में ना आए। थोड़ा सा इसे पकाना है, बहुत ज़्यादा नहीं पकाना। अब ब्रेड को दबा दबा कर सेक लें। अब ब्रेड पर लगा दें चम्मच की सहायता से टमाटो केचप। टमाटो केचप हमें दोनों पे नहीं लगाना, एक पर ही लगाना है। अच्छे से टमाटो केचप लगाने के बाद अब हमने जो टमाटर गर्म किया था उसे और प्याज और खीरे को इस पर अच्छे से रख देना है। आप चाहें तो इसमें बॉयल आलू भी डाल सकते हैं। अब हम लेंगे चीज़ की स्लाइस। चीज़ की स्लाइस को इस पर रख देना है। अब इस पर डालेंगे थोड़ी सी काली मिर्च और थोड़ा सा नमक। आप चाहें तो इस पर लाल मिर्च भी डाल सकते हैं अगर आप बहुत स्पाइसी खाते हैं। अब ब्रेड का जो गर्म हिस्सा है वो स्लाइस पर रख दें ताकि गर्म हिस्से से चीज़ मेल्ट हो जाए। अब ब्रेड के ऊपरी हिस्से पर भी बटर लगा दें। आप चाहें तो देसी घी भी लगा सकते हैं, इससे भी इसका टेस्ट बहुत अच्छा आएगा। चारों तरफ अच्छे से बटर लगा देने के बाद इसे पुश करके सेकें। अब देखिए इसे पलट दें। ये देखिए हमारा सैंडविच अच्छे से सिक चुका है, एकदम क्रंची क्रंची लगेगा खाने में। दूसरी तरफ भी इसे यूं ही सेक लेना है। गैस का फ्लेम ज़्यादा हाई ना रखें, मीडियम आंच पर इसे सेकें। अब हमें पलट कर चेक करना है कि दूसरी तरफ सैंडविच हमारा सिका या नहीं। ये देखिए दूसरी तरफ भी सैंडविच सिक चुका है। अब हम इसे दूसरी प्लेट पर रख लेंगे। देखिए सैंडविच हमारा कितना अच्छा लग रहा है। चाकू की सहायता से इसे पीस से कट कर दें। ये देखिए चीज़ हमारी मेल्ट हो चुकी है। अब इसे देखें खोलकर। ये देखिए सैंडविच हमारा कितना अच्छा और कितना टेस्टी बना है। फ्रेंड्स, आप भी इस सैंडविच को घर पर ज़रूर बनाकर देखिएगा, बच्चे इसे बहुत ही शौक से खाते हैं। वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करें।